गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अम्बी सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 10th। बच्चे आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की थ्योरम्स, और इसकी फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 6.1 बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सबसे पहले इसकी लाइन क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है क्या लाइन है। जब क्वेश्चन आता है एग्जाम में बच्चे, तो इसको इसकी लाइन दी होती है, लाइन को पढ़ के हमें पता चलता है कि हमने कौन सी थ्योरम सॉल्व करनी है, ठीक है। और जो थ्योरम की लाइन है वो क्या है, इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल विच डिवाइड्स अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट डिवाइडेड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो मुझे लाइन दी गई है इसी के हिसाब से मैंने ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल जो है वो हमें नहीं दी गई होती, वो हमने खुद से ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल का नाम रखना है, इसमें सिर्फ उन्होंने बोला है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, मतलब एक ट्रायंगल है जिसका नाम है मेरे पास ए बी सी, उसकी एक साइड के पैरेलल। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, मैंने ट्रायंगल की साइड ले ली बी सी, उसके पैरेलल एक लाइन ले ली डी ई विच डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस लाइन ने बाकी की दो साइडें कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट ए बी को डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और ए सी को ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट डिवाइडेड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो, तो इस लाइन ने बाकी की दो लाइनों को अलग अलग पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करा और इन लाइंस को सेम रेशियो पे ये डिवाइड करती है। मतलब ये जो मुझे लाइन दी गई है उसी के हिसाब से हम अपनी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। पहले लाइन के हिसाब से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ इसका नाम लिया है ए बी सी और जो पैरेलल लाइन ली है उसको मैंने नाम रखा है डी ई। अब उसके अकॉर्डिंग शुरू में करूंगी यहाँ गिवन, सबसे पहले मैंने उसकी स्टेटमेंट दे दी कि थ्योरम है क्या। अब बच्चे इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं गिवन पे आ गई, आपने हेडिंग वाइज बनानी है इन ट्रायंगल। मुझे ट्रायंगल का नाम नहीं दिया गया था, उन्होंने बोला था कि कोई ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी लाइन, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, अब मैंने लाइन का जो नाम रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब मैंने एक लाइन ली है जिसका नाम है डी ई, ये पैरेलल का साइन हो गया, जो ट्रायंगल की एक साइड, ट्रायंगल की साइड है बी सी, उसके पैरेलल है। तो इसने क्या करा, आगे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट ए बी एट, इसने ए बी को कौन से पॉइंट पे काटा है डी एंड ए सी एट ई, ए सी को ई पे काटा है, ठीक है। कि मतलब उन्होंने जो दिया था कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली जो बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंट्स पे काट रही है, इट डिवाइडेड द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। आगे आ गया मेरा हेडिंग दूंगी मैं टू प्रूव, मतलब वो लाइन जिसने अलग अलग पॉइंटों पे काटा वो बाकी की दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो रेशियो क्या बन रही है मेरे पास, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, मतलब रेशो कि ये जो लाइन हमने खींची है इसने इस लाइन के दो पार्ट कर दिए, ऊपर के पार्ट का नाम आ गया ए डी और नीचे के पार्ट का नाम बन गया डी बी, और सेम दूसरी साइड पे इस पार्ट का नाम आ गया ए ई और ई सी, ये इक्वल रेशो, रेशो का मतलब होता है हम इसको डिवाइड के साइन में लिख लेते हैं, सेम रेशो पे काटती है तो मुझे डिवाइड करती है, मुझे ये चीज को प्रूव करना है। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वैसे हमने लाइंस लिखते जाना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, बी को ई से ज्वाइन करेंगे और सी को डी से ज्वाइन करा, और ऐसे ही लिख लेंगे हम ज्वाइन, जिस जिस साइड पॉइंट को हम ज्वाइन कर रहे हैं वैसे लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड दूसरी साइड पे सी को मैंने डी के साथ करा। उसके बाद बचे फ्रॉम ई हमने इस लाइन सामने वाली लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम मैंने रख दिया ई एफ, अब मैं लिखूंगी उसके बाद फ्रॉम ई ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू
ट्रायंगल की पूरी साइड पे मैंने परपेंडिकुलर लेना है, क्या ना ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब कोई भी, ये हमारा एक ज्योमेट्री का रूल है, एक लाइन पे हम एक ही परपेंडिकुलर मान के चलते हैं, मतलब मैंने ट्रायंगल की साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचना है, ट्रायंगल की साइड जो है पूरी उसका नाम क्या है ए बी, इसलिए जो ई एफ परपेंडिकुलर लिया गया है वो पूरी ए बी के ऊपर है, और ए बी के किसी भी मैं पार्ट की जब बात करूंगी तो इसके इस लाइन के ऊपर अगर इस लाइन का कोई भी पार्ट आगे जाके यूज होगा तो उसमें एक ही ट्रायंगल, एक ही परपेंडिकुलर ई एफ माना जाएगा। और सेम ऐसे ही एंड दूसरी साइड से डी से मैं सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगी, एंड हम क्या लिखेंगे फ्रॉम डी, यहाँ से अब करेंगे ड्रॉ करा मैंने डी जी परपेंडिकुलर टू, कौन सी लाइन ले रहे हैं ए सी, परपेंडिकुलर का नाम आपने पहले लिखना है और ट्रायंगल की साइड का नाम जो है वो बाद में लिखना है। जैसे ज्वाइन, पहले मैंने क्या करा, ज्वाइन बी को ई के साथ ज्वाइन करा और सी को डी के साथ ज्वाइन करा, फिर मैंने ई पॉइंट से ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा जिसका नाम क्या है ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड दूसरे डी से मैंने ए सी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींचा है जिसका नाम क्या है डी जी। अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं, अब मेरे को अपनी जो थ्योरम है उसको प्रूव करना है। तो प्रूफ, अब मैं ट्रायंगल ले रही हूँ, इन ट्रायंगल एक मैंने ट्रायंगल ले ली ऊपर वाली ए डी ई, एंड दूसरी ट्रायंगल मैं ले रही हूँ। अच्छा बच्चे, अब जो इसके बाद करना है, जब मैंने ये पैरलर लाइन खींची है तो जो बड़ी वाली ट्रायंगल थी उसमें ये एक छोटी सी ट्रायंगल आ गई है जिसका नाम क्या है ए डी ई। अब मैंने एक तो ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल ए डी ई, इसके साथ मैंने एक और ट्रायंगल लेनी है, कौन सी ट्रायंगल लेनी है, ये मेरे पास दो पैरलर लाइंस है, पैरलर लाइंस के बीच में ट्रायंगल बन रही है, आपने देखना है कि जो पैरलर लाइन डी ई है वो ए बी पे आके कहाँ मिल रही है, डी देखो बी पे, और ई बी आके बी पे मिल रही है, तो इसका मतलब ट्रायंगल मैंने कौन सी लेनी है बी डी ई, ये मैंने दो ट्रायंगल्स लेनी है। अब आगे इसके एरिया की बात करेंगे तो यहाँ लिखूंगी मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। अब मैं दोनों ट्रायंगल्स के एरिया की रेशियो लेने लगी हूँ, तो ए डी ई ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, आगे मैं इसको मेंशन कर दूंगी। जब मैं इस ट्रायंगल के ए डी ई ट्रायंगल की बात करी हूँ तो एरिया के लिए फार्मूला 1/2 बेस। अब एक चीज़ देखूँ, ए डी जो है, मैं इस ट्रायंगल की बात करी हूँ, इसमें ए डी बेस है, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन सा गिर रहा है ई एफ, मतलब ई एफ जो था परपेंडिकुलर वो पूरी लाइन ए बी के ऊपर है, तो अब मैं ये जो ट्रायंगल ले रही हूँ ए डी ई, ए डी उसका ही एक पार्ट, मतलब जो मैंने ट्रायंगल लिया है उसमें ए बी का इतना ही पार्ट आ रहा है, तो इतना ही पार्ट उसका बेस होगा, तो बेस क्या बन गया मेरे पास ए डी, और परपेंडिकुलर का नाम क्या है ई एफ। सेम ऐसे नीचे जब दूसरी ट्रायंगल की मैं बात करूंगी बी डी ई, अब मैंने ट्रायंगल लिया ये वाली बी डी ई, अब ए बी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है उस लाइन को हम बेस मानते हैं, अब पूरी ए बी एक बेस था जिसके ऊपर ई एफ परपेंडिकुलर है, अब मेरी जो ट्रायंगल है बी डी ई उसमें ए बी का कितना पार्ट आ रहा है मेरे पास डी बी, तो बेस क्या बन गया मेरे पास डी बी, और परपेंडिकुलर इसके ऊपर कौन सा गिर रहा है ई एफ, ई एफ के साथ ई एफ कट गया, 1/2 के साथ 1/2 कट गया, और मेरे पास बचा क्या ए डी बाई डी बी। यहाँ आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हो 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये आप साथ में ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरे स्टेप में मैंने ये जो ट्रायंगल्स हैं उनको चेंज करना है, अब मैं ये बच्चे ऊपर से रब कर रही हूँ, अब गिवन तक मैं इसको रब कर रही हूँ, अब मैंने दूसरी जो लेनी है ट्रायंगल्स उसमें अब नाम चेंज करेंगे, फिर अब मैं लूंगी इन ट्रायंगल ए डी ई, ऊपर वाली ट्रायंगल मैंने वही रखनी है एंड दूसरी नीचे वाली ट्रायंगल, नीचे वाली ट्रायंगल मतलब ए डी ई लाइन जो है वो दूसरी ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है उसको कहाँ मैच कर रही है, डी को लेके आओ सी पे, और ई भी कहाँ मैच हो रहा है सी पे, तो ट्रायंगल का नाम क्या आ गया सी ई डी।
तो दूसरी ट्रायंगल का नाम क्या आ गया मेरे पास, सी डी ई। तो इनके एरिया की रेशियो ले लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। तो इसके एरिया के लिए फॉर्मूला तो वही चलेगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। पर अब मैं बेस उसकी दूसरी साइड को मान रही हूँ, क्योंकि मैंने इसमें दो परपेंडिकुलर लिए थे, एक परपेंडिकुलर मैंने ए बी साइड पे लिया था और दूसरा परपेंडिकुलर मैंने ए सी साइड का लिया था। अब मैंने एक इस साइड वाली इस साइड की बात नहीं करनी, अब हमने ए सी की बात करनी है। अब इसमें परपेंडिकुलर जो गिर रहा है उसका नाम क्या है, डी जी। और डी जी जो है ए सी के कितने पार्ट के ऊपर, जो मैंने ट्रायंगल लिया है ए डी ई उसमें ए सी का कितना पार्ट आ रहा है, ए ई। तो यहाँ आ गया बेस बन गया ए ई इनटू परपेंडिकुलर का नाम क्या है, डी जी बाय सेम ऐसे ही नीचे। अब मैं सी डी ई, तो अब पूरी लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर था, अब मैंने ये ट्रायंगल लिया है सी ई डी, तो उसमें ए सी का कितना पार्ट आ रहा है, ई और सी। और ये क्या बन गया मेरे पास, इसका बेस और परपेंडिकुलर एक ही है डी जी, डी जी से डी जी कट गया और 1/2 से 1/2 यहाँ आ गया मेरे पास ए ई बाय ई सी। अब इसको मैं नंबर दे दूंगी सेकेंड। नेक्स्ट बच्चे इसमें क्या है कि अब मैंने एक मेरे पास ये प्रॉपर्टी है कि आपने क्या करना है, ऊपर जब आप देखो कि यहाँ मैंने लिया है, पहले जब मैंने दो ट्रायंगल्स ली थी तो इसमें मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लिखा था, और दूसरी बार जब मैंने ट्रायंगल्स ली तो उसमें भी मैंने ट्रायंगल का नाम ए डी ई ही रखा। तो किसी ट्रायंगल का जो हम एरिया निकालते हैं, दोनों बार ट्रायंगल सेम लिए हैं, मैं फार्मूला कोई भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि एक बार मैंने इस साइड को बेस लिया था, दूसरी बार मैंने उस साइड को बेस लिया, तो फिर भी जो इसके एरिया होगा वो सेम आएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे, आपने लास्ट में इसमें करना क्या है, जो दूसरी ट्रायंगल्स थी जो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्रायंगल्स आ रही थी उनके एरिया को इक्वल कर देना। आप लिखोगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। मतलब अगर आप पहले जो मैंने पॉइंट लिखा था उसमें से नीचे जो मैंने ट्रायंगल्स लिए हैं उनके एरिया को इक्वल कर देना। साथ में लाइंस क्या लिखनी है, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस डी ई, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स में एक लाइन कॉमन आ रही थी, एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन सिंपल लिख लो पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये जो ट्रायंगल्स थी दोनों ये डी ई और बी सी के बीच में बन रही थी, और डी ई और बी सी क्या है, ये लाइंस पैरलर है, तो इनका एरिया इक्वल होता है। तो आप लिखोगे देयर फोर फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इनका एरिया जो है वो इक्वल कर दोगे, वो क्या है आपके पास, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। लिखोगे क्या साथ में, हैंस प्रूव्ड। बच्चे ये आपकी फर्स्ट थ्योरम, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, वो प्रूव हो गई है। और इसका दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके राइटर का नाम थेल्स था, तो इसलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। तो बच्चे जब भी सम में आता है, ये आपके जो है 6 मार्क्स का एक थ्योरम आपको हर बार एग्जाम में आती आती है। इस बार आपकी जो है वो दो थ्योरम जो है वो रिड्यूस हो गई हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये हम इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम जो है इसकी कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम जो है इसके साथ थ्योरम नंबर 6.2, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि जब भी जो अभी हमने थ्योरम करी है उसका ही मैं कन्वर्स कर रही हूँ, मतलब उसका उल्टा कर रही हूँ। उल्टा कर रही हूँ मतलब उसमें जो चीज़ें गिवन में थी वो अब मुझे टू प्रूव करनी है, और उसमें जो टू प्रूव में था वो मुझे गिवन करना है। जैसे कि मैंने पहले थ्योरम करवाई थी उसमें था कि गिवन में मुझे दिया गया था कि डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरलर है, और टू प्रूव में मैंने लिखा था कि मुझे प्रूव करना है ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब मैंने इसको उल्टा लिख लिया। सबसे पहले इस थ्योरम की हम लाइन देखते हैं। इफ अ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, कि अगर किसी ट्राइंगल की कोई जो लाइन है, लाइन को उन्होंने पैरलर नहीं बोला, उसमें पिछली थ्योरम में बोला था कि जो है ये जो लाइन है वो उसकी एक साइड के पैरलर है। अब इसमें इन्होंने बोला है
कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन उसकी बाकी की दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो प्रूव करो कि ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ मैंने ट्रायंगल से बता दिया, अब लाइन देखो। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब अब मुझे ये दिया गया है, गिवन में मैंने लिख लिया कि एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें मेरे को ये रेशो इक्वल दी हुई है कि इस ट्रायंगल एबीसी में एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय ईसी दिया गया है। और मुझे टू प्रूव में क्या करना है कि ये जो लाइन ने बाकी की दो लाइनों को सेम रेशो में पहले से बांट दिया है ये लाइन इस लाइन के पैरलर है। अब कन्वर्स का मतलब समझ आ गया कि पिछले में मैंने बोला था कि लाइन पैरलर है उसकी एक साइड के तो रेशो इक्वल शो करनी है। अब मेरे को रेशो इक्वल दी गई है, मेरे को लाइन पैरलर शो करनी है। तो अब हमने लिख लिया गिवन में, पहले ट्रायंगल का नाम नहीं दिया था, मैंने ट्रायंगल का नाम रख लिया ए बी सी, उसकी दो साइड्स को वो कहते हैं इक्वल रेशो पे डिवाइड कर रही है तो रेशो क्या बनी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। तो मुझे टू प्रूव कि ये जो डी ई लाइन है जिसने सेम रेशो पे बांटा है उसको उसकी एक साइड के पैरलर मतलब बी सी के पैरलर प्रूव करना है। तो अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, लेट, क्योंकि उन्होंने ये बोला ही नहीं कि डी ई लाइन जो है वो बी सी के पैरलर है तो मैं लेट करके चलती हूँ कि डी ई इज, यहाँ लिखेंगे लेट डी ई इज नॉट पैरलर टू बी सी, कि ये जो डी ई लाइन है वो बी सी के पैरलर नहीं है। ड्रॉ एन अदर लाइन, देयर फॉर ड्रॉ एन अदर लाइन, मैंने एक और लाइन जो मैंने शुरू करी है डी से और यहाँ एफ पे, मतलब अनदर लाइन डी एफ पैरलर टू बी सी लिए। फिर से कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ये जो डी ई लाइन है मैंने उसको लेट करना है कि वो बी सी के पैरलर नहीं है, पर मैंने एक और लाइन अपनी तरफ से ड्रॉ कर ली जिसका नाम जो स्टार्ट डी से हो रही है जिसका नाम मैंने रखा डी एफ, यहाँ मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया और वो बी सी के पैरलर है। अब हम अपनी थ्योरम शुरू करते हैं। प्रूफ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल में मैंने डी एफ पैरलर टू बी सी लिख लिया क्योंकि डी एफ पैरलर टू बी सी मैंने एक ऐसी लाइन खुद अपनी तरफ से ड्रॉ करी थी जो पैरलर है। अगर ये इसके पैरलर है तो यहाँ पिछली थ्योरम मेरी लग जाएगी, हम सीधा उसका रिजल्ट यूज करेंगे। देयर फोर ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए एफ बाय एफ सी। अब बच्चे देखो, जो मैंने पिछली थ्योरम करवाई थी उसका रिजल्ट क्या था, अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरलर कोई जो लाइन है उसकी बाकी दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है। अब मैंने लाइन मानी है DF, तो DF मैंने माना है कि BC के पैरलर है तो उसने बाकी की दो साइडों AD by DB और ये पोर्शन इसका बना AF by FC ये डिवाइड करेगी। मतलब यहाँ मैं लिख दूंगी by BPT कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरलर कोई लाइन आती है तो उसने बाकी की दो साइडों पे जिस जिस पॉइंटों पे काटा है उनको सेम रेशो पे बांट दिया। अब इसको नाम दे देंगे बच्चे टू। अब ये मेरे को दिया गया था कि ट्रायंगल एबीसी में किसी लाइन ने उसको उसकी दो साइडों को इक्वल रेशो में बांटा है, तो ये मुझे गिवन में आ गया, ये मेरे पास पिछली थ्योरम लगा के प्रूव हो गया। अब वन और टू देखो, इसकी आप लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड क्या है ए डी बाई डी बी और इसकी भी लेफ्ट साइड क्या है ए डी बाई डी बी, लेफ्ट साइड सेम है, अगर लेफ्ट साइड सेम है तो इसकी राइट साइड भी इक्वल होंगे। मान लो इसकी वैल्यू 1/2 आ रही है तो अगर ए ई बाई ई सी की वैल्यू 1/2 होगी तो ही ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ भी ए डी बाई डी बी क्योंकि ट्राइंगल वही है, इस यहाँ भी उसकी वैल्यू 1/2 है तो इसका मतलब यहाँ अगर ए डी बाई डी बी मैंने ए एफ बाई एफ सी के प्रूव करा तो इसकी वैल्यू भी 1/2 है। तो अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू क्या लिखना है हमने, ए ई बाई ई सी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। अब बच्चे यहाँ तक मेरा रिजल्ट, मैंने लेफ्ट साइड जो है वो छोड़ दी है, राइट साइड को इक्वल करके लिख लिया। अब ऐड करेंगे, अब लिखेंगे एडिंग वन इन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में मैं वन ऐड करूँगी तो यहाँ आ जाएगा ए ई बाई ई सी प्लस वन इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस वन।
नेक्स्ट बच्चे मैं इसके ऊपर से रब करके ऊपर लिख रही हूँ। तो बच्चे यहाँ आ गया मेरे पास ए ई बाई ई सी प्लस वन इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस वन। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं है, वन वन लगा लेंगे। यहाँ एलसीएम क्या आ गया, ई सी, तो यहाँ आ गया ए ई प्लस ई सी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी प्लस एफ सी। अब ट्राइंगल पे आ जाओ। अगर आप अभी आप एफ पॉइंट को नहीं देखोगे, अगर ए ई में ई सी मतलब ये लाइन में ये पार्ट एफ को नहीं देखोगे, इसको प्लस करोगे, तो पूरी लाइन का नाम क्या बन गया आपके पास, ए सी। तो यहाँ मैं लिख लूंगी इसकी जगह ए ई और ई सी को प्लस करके इसका नाम बन रहा है ए सी, और यहाँ आ गया ई सी इक्वल टू। अगर आप ऐसे ही अब ई पॉइंट को आपने नहीं देखना, अगर ए एफ में एफ सी प्लस करते हो तो भी इसका नाम क्या आता है, ए सी बाय एफ सी। अब ए सी से ए सी कट गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एफ सी इक्वल टू ई सी। अब यहाँ इस अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, सी पॉइंट जो है वो मेरा कॉमन है, मतलब सी सेम है, सी को अगर मैं काट दूं तो क्या आ गया, एफ इक्वल टू ई। यहाँ से मेरा ये आ गया कि एफ और ई पॉइंट जो है वो सेम पॉइंट है, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे क्या, एफ एंड ई आर कोइंसाइड्स पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट मतलब एक ही पॉइंट है, उसका मतलब एफ और ई एक ही पॉइंट है। तो अब मैंने देयरफॉर मैंने लिया था कि मेरे पास था कि डी एफ पैरेलल टू, अगर मैंने बी सी लिया था तो अगर एफ और ई सेम पॉइंट है तो मैं इसका नाम जो है वो एफ की जगह ई रख सकती हूँ। देयरफॉर डी ई पैरेलल टू बी सी, क्योंकि ये मैंने बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये मैंने खुद उसकी कंस्ट्रक्शन करी थी, तो अगर मैंने एफ का नाम ई रख दिया तो डी ई पैरेलल टू बी सी हो गया, और यही चीज मेरे को प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव्ड। बच्चे ये इस पार्ट में मैंने सिक्स जो चैप्टर है ट्रायंगल्स, इसकी दो थ्योरम्स, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो कि 6.1 है, और उसका कन्वर्स 6.2 थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम करें। ये दोनों थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, ये अपनी फेयर कॉपीज पे करनी है और अपनी फेयर कॉपीज कंप्लीट करनी है।